आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंदर कोई पॉलिसी करवाना चाहता है तो वो ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकता है। इसके ऑनलाइन आवेदन के दो तरीके हैं। पहला तरीका है ई मित्र के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। तो ई मित्र से ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से किया जाता है तो ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको पेड़ वाला आवेदन करना है या फिर फ्री वाला आवेदन करना है तो इन दोनों वीडियो को आप देख सकते हैं। ये दोनों ही प्रोसेस ई मित्र के माध्यम से मैंने बताए हैं। आज के इस वीडियो में एसएसओ पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में ऑनलाइन आवेदन करना सिखाने वाला हूं, वह भी 850 रुपए के प्रीमियम का भुगतान करके। जो लोग इस योजना में जुड़ते हैं उन सभी के लिए जो पेड पॉलिसी होती है वह एसएसओ पोर्टल से किस प्रकार से बनाई जाती है तो कंप्लीट डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि कई बार ई मित्र से आवेदन करने में बहुत सारे लोगों को समस्या आती है। तो आज मैं आपको एसएसओ पोर्टल के माध्यम से इस योजना में आवेदन करना सिखाने वाला हूं। सबसे पहले एसएसओ पोर्टल पे आ जाना है। इसी वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आ सकते हैं। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके एसएसओ आईडी बना लेनी है। अगर पहले से बनी हुई है तो उसी आईडी का इस्तेमाल करना है। तो जिसकी पॉलिसी बना रहे हैं उसी परिवार के किसी सदस्य के नाम पे एसएसओ आईडी होनी चाहिए। तो आप जन आधार कार्ड से भी बना सकते हैं और जीमेल से भी बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका है कि आप जन आधार कार्ड से एसएसओ आईडी बनाएं। एक बार आपकी एसएसओ आईडी बन गई या फिर पहले से बनी हुई है परिवार के किसी सदस्य की, तो उसका इस्तेमाल करके आप इसके ऊपर लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है और यहाँ पर एसएसओ आईडी डालनी है, पासवर्ड डालने हैं, कैप्चा दर्ज करके लॉगिन पे क्लिक करना है। आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पे आरोग्य लिख के सर्च करना है। जैसे ही आप आरोग्य लिख के सर्च करेंगे तो दो ऐप दिखाई देंगे, तो आपको इस वाले ऐप पे क्लिक करना है, इस न्यू वाले पे नहीं करना है, इस वाले ऐप पे क्लिक करना है। इसके बाद आप मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के पोर्टल पर आ जाएंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर माँ योजना का ऑप्शन मिलेगा, आप जस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जन आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जन आधार कार्ड संख्या यहाँ पे दर्ज करके सर्च बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे। परिवार की डिटेल दिखाई देने लग जाएगी। उसके बाद जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर परिवार के एक सदस्य को सिलेक्ट करके ई साइन कर लेने हैं आवेदन के ऊपर। तो यहाँ पे परिवार का कोई भी एक सदस्य आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी हैं, अगर कोई फ्री कैटेगरी में एलिजिबल है तो फ्री ले सकते हैं, अगर कोई फ्री में एलिजिबल नहीं है तो पेड वाला अंतिम ऑप्शन लेके आप पॉलिसी करेंगे। तो बहुत बार लोग फ्री वाले में एलिजिबल होते हैं, तो एलिजिबल हैं तो फ्री वाले में आवेदन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो पेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ई साइन वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आधार लिंक मोबाइल पे एक ओटीपी नंबर भेज दिए जाएंगे, उन ओटीपी नंबर को यहाँ पे दर्ज करके वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे जस्ट आप क्लिक करेंगे। जैसे ही ओटीपी नंबर दर्ज किए वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपको जस्ट यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मोबाइल फ़ोन नंबर व ईमेल आईडी आप दर्ज करेंगे। मोबाइल पर ईमेल आईडी दर्ज करने के बाद आपको मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे जस्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे ईमेल आईडी व मोबाइल फ़ोन नंबर बिल्कुल सही दर्ज करने हैं, कई बार पेमेंट फेल हो जाता है तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही आपको दर्ज करने हैं। उसके बाद यहाँ पे जन आधार कार्ड संख्या भी आपको दिखाई देंगी, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे पेमेंट गेटवे पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे कार्ड या फिर नेट बैंकिंग दोनों में से एक तो कार्ड का ऑप्शन मिलेगा और एक नेट बैंकिंग का, तो दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कार्ड वाला ऑप्शन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे कार्ड नंबर डाल दूंगा, यहाँ पे डिटेल भर लूँगा और कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। तो मैं यहाँ पे डिटेल भर चुका हूँ, अब मैं कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर जस्ट क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मे बी लेटर वाले ऑप्शन पे जस्ट आपको क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी वाला है यस सिक्योर माई कार्ड वाला ऑप्शन भी है और मेक पेमेंट जो भी ऑप्शन पे है, तो मेक पेमेंट मैं यहाँ पे मे बी लेटर पे क्लिक करता हूँ। फिर एक ओटीपी नंबर भेजे जाएंगे, ओटीपी नंबर भेजे जाएंगे तो उन ओटीपी नंबर को जस्ट यहाँ पे दर्ज करना है। ओटीपी नंबर दर्ज करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। पेमेंट सक्सेसफुली हो जाने के बाद इस प्रकार से आप बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद इस प्रकार से आपको स्क्रीन दिखाई देगी, तो आप जस्ट बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पे
डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप पॉलिसी डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं पॉलिसी फ्यूचर में एक्टिवेट होगी। तो पॉलिसी कौन सी दिनांक से एक्टिवेट होगी वह दिनांक भी दिखाई देने यहाँ पे लग जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस दिनांक को ये स्टार्ट हो जाएगी और एंड कब होगी वो भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। उसके बाद पॉलिसी को ओपन आप कर सकते हैं और इसकी प्रिंटआउट निकाल के अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये तरीका था SSO पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में ऑनलाइन आवेदन करने का और पॉलिसी जनरेट करने का। यह तरीका था SSO पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में ऑनलाइन आवेदन करने का। आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे। तो कभी भी आपको इस योजना में जुड़ना है तो आप इस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपकी पॉलिसी पूरी होने वाली है तो उसका नवीनीकरण भी इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है, जिससे कि ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बाय बाय दोस्तों।